हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम खेलने वाले हैं कार डीलर जॉब सिम्युलेटर गेम को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही चल गया होगा कि सिम्युलेटर गेम कार्स फॉर सेल से पॉपुलर हुआ, जो गेम टेक्नो गेमर ने खेला, तो आज हम भी खेलने वाले हैं पर एंड्रॉयड में। अगर आपको खेलना है तो लिंक अंदर। तो ये रहा हमारा प्यारा सा शोरूम और गेम लोड ले रहा है, और मैंने एक सिक्योरिटी को भी हायर कर रखा है अपने शोरूम के लिए। तो कोई ऑफ़र देके गया है मुझे, तो 2,40,000 का ये अमाउंट है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया भाई, क्योंकि भाई मैं लॉस कभी नहीं सहूँगा और शोरूम को ओपन कर देते हैं आराम से। कोई ऑफ़र देके गया हमें यहाँ पे कितना है, 1,88,000 का कोई ऑफ़र देके गया है, तो इसको आपसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमारे बेस में भाई यहाँ पे कार को ऐड करते हैं जल्दी से। हमारे पास अमाउंट तो अभी है प्रॉपर है, तो हम कम से कम 2,00,000 का तो एक कार ले ही सकते हैं आराम से। तो रेमोन लेंगे हम ये कार, और इसको हम कितने दाम में आराम से बेच सकते हैं, 2,40,000 तक आराम से बेच सकते हैं। तो जल्दी से लेके इसको ना 2,40,000 अमाउंट प्राइस इसका प्राइस मतलब डाल के इसको छोड़ देते हैं, कोई भी आके हमारा कस्टमर आके ले सके, ताकि तो काफ़ी मस्त लग रहा है। बस थोड़ा सा मुझे ना एक सबसे महंगा कार ख़रीदना, वो लंबोर्गिनी अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है, और मुझे अपना ऊपर वाला बेस भी ठीक बनवाना है, मतलब उसको भी परचेस करना है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्स रख सकूं। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर आ गए हैं, वो भाई। तो जल्दी जल्दी हम पहले भाई अपना बिल पे करते हैं, मैंने बिल नहीं पे किया है, ताकि ये हमारा लाइट वेट काट ना सके साले, नहीं तो फिर हमारा लाइट फाइट भी काट देंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। तो कंप्यूटर को हम ऑफ़ करते हैं जल्दी से। यहाँ पर काफ़ी मस्त मस्त कार है, जो यूज्ड ऑटो शॉप है तो ठीक ही है, तो बंद करते हैं हम अभी। हम अपना भाई कार देखते हैं, कोई लेने ही नहीं आ रहा भाई, कस्टमर तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्या ही कार है, हमने इसको डन कर दिया। और काफ़ी मस्त एक कस्टमर आया है, वेलकम सर, आपको ये कार देखिए कितने काफ़ी मस्त है, आपको लेना चाहिए। तो इन्होंने भाई मुझे 1,81,000 का ऑफ़र दे के भाई नहीं, मुझे नीचे मुझे 1 रुपया अभी भाई मुझे लॉस नहीं सहना है। आप थैंक यू सर आपका आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और ये देखो एक बंदा सिर्फ मुफ्त का एसी का हवा खाने के लिए शोरूम में आया, कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मार के भगा दिया, काफ़ी मस्त था ये। और हाँ मैंने भाई सिक्योरिटी गार्ड को तो पैसे देते हो ना, उसी के लिए तो पैसे देता हूँ, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर देगा सिक्योरिटी गार्ड को भी मैं निकाल दूँगा। तो भाई कोई और ऑफ़र देके गया है मुझे, भाई कितना कम कम ऑफ़र देके जाते हैं भाई, मैंने वहाँ पर प्राइस टैग लगा के रखा है, और भाई ये मेरा फाइनली प्राइस रहता है, फ़ाइनल प्राइस, आपको लेना हो लो, नहीं लेना तो भाई चले जाओ, ऑफ़र मत दो, मुझे चाहिए नहीं। तो इन सर ने कुछ ऑफ़र दिया है, बिक भी गया, मैंने 1,32,000 में एक कार को बेच भी दिया, नाइस बिक गया, तो अभी तो अपना चल ही रहा है। तो इन मैम ने हमें एग्जैक्ट यही अमाउंट दिया, 2,40,000 का अमाउंट दे के भाई मेरा दिल खुश कर दिया। मैं ऊपर को पहले शोरूम ख़रीदता हूँ, ऊपर चल के देखते हैं कैसा डेकोरेशन और कैसा इंटीरियर है, काफ़ी मस्त लग रहा है, और आप देख ही सकते हैं एक नंबर भाई, क्या ही मस्त है। यहाँ पे कितना चार सोफ़ा, एक ऊपर से पीसी भी पड़ा हुआ, काफ़ी मस्त है, वो पीसी को ओपन कर सकते हैं, क्या ही मस्त है भाई यहाँ पे। और सिक्योरिटी गार्ड और सब है भाई, क्या मस्त है ऊपर का, मैंने ये बर्थडे है 50,000 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ऊपर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ से शहर का भी व्यू ले सकते हो, ताकि और यहाँ से बिकने का चांस ज़्यादा कार का मतलब रहेगा, कि ताकि कि बाहर से शोरूम और अच्छा दिखेगा अगर मैं यहाँ पे ऊपर में कार कलेक्शन अपना अच्छा कर लूँगा। तो यहाँ पे हम फिक्स करते हैं अपना ये, यहाँ पे अटैच कर देते हैं एक और बेस, स्वान बेस, और यहाँ पे हम अपना भाई सबसे महंगा से महंगा कार रखेंगे, लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, ताकि पैसा, क्योंकि महंगाई कार में मिलता है भाई। हम लेते हैं ये लैम्बोर्गिनी रेड कलर की, नहीं भाई उतना पैसा ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे को ले लिए। तो 2,40,000 में इसको ऐड करते हैं, अब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है भाई अभी। तो रेमोन 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 काफ़ी मस्त है वैसे भी वो गाड़ी, और
1,68,000 में हम इसको बेच सकते हैं आराम से। मुझे लगता है कि जल्दी बिक जाएगा ये कार, और ऊपर जाने का भी ऑप्शन है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है उसको बाय करने का। नाइस है, उसको हम नहीं खरीद सकते। हमारी एक और कस्टमर आ गई है, कहाँ जा रही है? डायरेक्ट ऊपर भाई, इतना बड़ा शोरूम है, बस मैं और मेरा एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड है बस, और कोई नहीं है भाई यहाँ पे तो कोई ना। और भाई कितना खाली खाली लग रहा शोरूम, पैसा है ही नहीं भाई, 18,000 बचे हुए लास्ट, और मैं इतना ले ही नहीं सकता। कोई सस्ता सा कार मैं लेके यहाँ पे ऑप्शन कर दूंगा इसको, तो मैं 21,000 में इसको बेच दूंगा, 21,600 में आराम से। कोई ना, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया अमाउंट, और नाइस हो गया, काफ़ी मस्त कार। और यहाँ पे किसी ने ऑफ़र देके गया है भाई, 23,000, 2,38,000, कितना ऑफ़र दिया था मुझे पता नहीं, बस मुझे एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि भाई मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। तो थैंक यू सर ऑफ़र देने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आया आपका ऑफ़र, आप आपको थोड़ा सा और अपग्रेड कीजिए, फिर आइए हमारे शोरूम में। तो भाई कस्टमर तो आ ही रहे, लेकिन भाई कोई ले ही नहीं रहा, कार बिक ही नहीं रहा हमारा, क्या ही करे। कंप्यूटर में देखते हैं, अपना सुपर कार का तो है, ऊपर लग्जरी भी है, तो मुझे क्या सिक्योरिटी एडवाइज़र, क्या है सिक्योरिटी इमरजेंसी, आई डोंट नो, बट चलते हैं लेते हैं कोई और कार सा। अब मेरे पास तो अभी बजट भी नहीं है, $200 में कौन सा ही कार आ जाएगा, अभी तो ऊपर नीचे बस मैं कर ही रहा हूँ। और यहाँ पर कोई ने तो ऑफ़र दिया इस इन मैम ने, ओ भाई, तो एग्जैक्ट अमाउंट हमें मिल रहा है जो हम रख के गए थे इस पे, तो इसको फट से बेच लेते भाई, ये ऑफ़र नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं बेच लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये डील काफ़ी अच्छा डील है वैसे तो। तो जल्दी से यहाँ पे एक और सुपर कार खरीदते हैं भाई, कारोल 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 सुपर, ये लैम्बोर्गिनी टाइप है, तो इसको हम 4,80,000 में बेच ही सकते हैं आराम से। तो इसको अमाउंट हम ऐड करेंगे जल्दी से, 4,800, बस डन। और इसको थोड़ा सा ना मस्त लग रहा है, काफ़ी रेड कलर का है, वैसे तो ग्राफिक इसका अच्छा नहीं है गेम का, लेकिन काफ़ी मस्त है। और एक और ले सकते हैं, हमारा बजट काफ़ी बढ़ गया, सुपर कार ले रहे बार बार हर बार, काफ़ी मस्त लग रहा है ये तो। थोड़ा सा ना घुमा रोटेट कर देते ताकि दिखने में और अच्छा लगे, और ताकि जल्दी कस्टमर इसको पे इसको पसंद करे, और जल्दी से कार हमारी बिक जाए। तो काफ़ी जगह है अभी ऊपर वाले फ्लोर में, तो नीचे चलते हैं। अभी नीचे का क्या हाल है? नीचे का तो भाई एक ही कार है, वो भी कोई सा लेने वाला नहीं है शायद से। तो ये अपना पीसी भी चेक कर लेते हैं, शायद कोई ईमेल वमेल आया हो शायद से, तो नहीं चाहिए प्लेयर्स कार भाई, कुछ कैंसिल करते हैं, सिक्योरिटी का कुछ नहीं है इशू, और बाहर की तरफ चलते हैं। नाइस, हमारा व्यू तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड बेस, ये शोरूम बंद करने का टाइम आ गया, अभी चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि भाई समय अभी है सोने का, कि जो भाई जितना काम करना है उतना भी रेस्ट लेना है, तो अपना गाड़ी से चलते हैं हम। ओ ये मैन ऑफ स्टील है क्या ये मैम? तो पूरा एकदम गाड़ी ही रुक गया, उनको कुछ नहीं हुआ चलते चलते रास्ता में, काफ़ी तगड़ा है ये तो। ओ भाई पेड़ पेड़ पे ठोक दिया मैंने, तो अपने घर पे हम पहुंच गए, अब भाई आराम से लेते हैं रेस्ट। और तो सुबह हो चुका है, और हम चलते हैं फिर अपने कार लेके। मेरा कार तो भाई देख रहे हो, मैं सुपर कार बेच रहा हूँ, उन पर मेरे पास ये खटारा है, मुझे अपना कार जल्दी से जल्दी चेंज करवाना है, और जल्दी से जल्दी मुझे ज़्यादा पैसा कमा के रखना है, कमाना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो चलते हैं अपनी कार लेके, वैसे तो मैं पैदल भी आ सकता हूँ मॉर्निंग वॉक में भी अपने शोरूम, और मेरा सिक्योरिटी गार्ड भाई मुझसे पहले ही आ जाता है। तो सबसे पहले तो ऑन करते हैं अपना शोरूम। अच्छा मुझे बिल पहले पे करना होगा भाई, लाइट वेट का ना होता है ना, $500 मुझे हर एक दिन देना पड़ता है भाई, मेरा कार शोरूम मेरा चल ही नहीं रहा भाई, और ये भाई बार बार मुझसे पैसा ले जा रहा है, शर्म नहीं आता इनको। मेरा भाई बिजनेस चले तो आप लो ना, फिर देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपन करते हैं हम शोरूम, और यहाँ पर है तो अमाउंट है, देखी कार है, मुझे एक और बेच चाहिए उधर रखने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है,
लग्जरीज कार के लिए भी इतना पैसा नहीं है, तो मैं सीडन ले लेता हूँ। सीडन से कोई कार एकदम मत सा, तो 1400 का ही है, 14,000 का है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, 16,800 में बिक जाएगा शायद से इजी। और कोई लेने ही वाला नहीं आ रहा। अच्छा एक मैम आ गई, आइए मैम आप ही के लिए। और यहाँ पर सर भी आ गए एक, और ऊपर वो गए, तो इन्होंने तो ऑफ़र दे दिया है 21,000 1600। भाई एक्सेप्ट कर लो जल्दी से, जल्दी से जल्दी आ गया। मेरे पास 23,000 हो चुके हैं अभी। तो एक और न्यू कार मैं बाई करके रख लेता हूँ। कर लो ये, मैं कौन सा कार ले लूँ, मेरे ये कार तो आ ही जाएगा। तो इसका मैं अमाउंट डालता हूँ 27,400। तो 27,400 में इसको डाल दिया हूँ, डॉलर आप बोल सकते हो। तो 22,000 का मैंने ये और ख़रीद लिया, मेरे पास 700 रुपये बचे। भाई कितना गरीब हो चुका हूँ, एक और कार कार्ड लेने के पैसे नहीं है। गुड डे सर, आपने ऑफ़र दिया था कि अरे मैम मुझे आगे तो जाने दीजिए, ये कैसा ज़ोर ज़बरदस्ती है, मुझे आगे ही नहीं जाने दे रही है मैम। तो नाइस, तो इन्होंने ऑफ़र दिया है 4,80,000 एग्जैक्ट अमाउंट जो मैंने रखा था इस कार के लिए, उतना ही मिल रहे हैं। इस पर कितना कार मिला भाई, ये मेरे अमाउंट से ज़्यादा है ना? हाँ मेरे अमाउंट से ज़्यादा है भाई, ये कैसा, मतलब मैं तो शॉक हूँ भाई, ये ज़्यादा ही तो है। एक्सेप्ट करते भाई जल्दी से, कोई जल्दी से भाई एक्सेप्ट कर लेते, इतना मस्त ऑफ़र कौन देके गया इतना पैसा भाई। एग्जैक्ट भाई क्या ही मस्त है, ऐसे कस्टमर और आ जाए भाई, भगवान करे, भगवान की दुआ से और कस्टमर ऐसे आ जाए। नाइस, तो मैं एक और ले लेता हूँ 4,00,000 का, ये सुपर कार। तो इसको मैं कितना में शायद बेच सकता हूँ क्या, नहीं 99 99 99, टू मच हाई प्राइस भाई, ये तो 99,999 हो जाएगा। नहीं मतलब मैं एग्जैक्ट इतना रेट में बेच सकता हूँ कि 4,80,000 तक बिके गई, तो मैं इसको बेच देता हूँ इतने अमाउंट में। तो मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और हमारे कस्टमर को जल्दी से पसंद आए और वो जल्दी से भाई कार को बाई करे और मैं जल्दी से और अमीर हो जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और अमाउंट, और मुझे ना और बेस ख़रीदने होंगे ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा कार बाई कर सकूँ। मेरे पास तो अभी 1,74,000 रुपये हैं, नहीं कितने 17,00,000 कितने 4,044 और 9 कितने भाई 17,79,000 रुपये हो गए शायद, तो मुझे पता नहीं, मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई ना, अरे भाई मुझे नींद की काफ़ी ज़रूरत है, तो नीड टू स्लीप भाई, जल्दी से बेस बंद कर दे, पूरा अंधेरा छा गया आँखों पे भाई। इतना काम भी ज़रूरी नहीं है, आपको प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो हम भी ले लेते हैं 8 घंटे के, पहले तो शोरूम बंद करते हैं और कोई भी ऑफ़र दे भाई, मुझे नहीं चाहिए अभी, तो बस जाके सोना है जल्दी से, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पूरा अंधेरा छाया हुआ है मेरे आँखों पर। अरे भाई दूसरे के घर में ना चला जाऊँ, जल्दी से सोते हैं। ओ भाई काफ़ी थका देने वाला दिन था आज, आज का प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तो पैदल ही जाऊँगा, मैंने गाड़ी भी नहीं लाया, भूल गया गाड़ी लाना अपना, खम्भे पे ठुकी पड़ी है गाड़ी। तो जल्दी से पहले बिल पे करते हैं, क्योंकि भाई हर एक दिन मुझे बिल पे करना ही रहता है। तो पे बिल्स करते हैं, हो गया। अब शोरूम को ऑन करने की बारी है, शोरूम जल्दी से ऑन करते हैं, यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है, शोरूम को ऑन कर लेते हैं हम। और 27,400 एग्जैक्ट अमाउंट हम ले लेते हैं आराम से जल्दी से, 16,800 भाई क्या ही अच्छा अच्छा डील आ रहा है। 18,000 रिजेक्ट भाई, रिजेक्ट, उतना भी बेचना ही नहीं है ना, क्यों बेचना है भाई, हमने इतना पैसा लगाया, आप इतना समय भी दे रहे हो, मैंने इतना बड़ा शोरूम रखा, सब चीज़ का खर्चा तो चाहिए ना, बिल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा। तो मैंने एक सुपर कार ले लिया और मैं उसको 4,80,000 में बेच रहा हूँ। तो ये भाई लैम्बोर्गिनी है, काफ़ी मस्त है, इसको थोड़ा रोटेट करके ना रख देते हैं ताकि दिखने में कूल लगे और जल्दी से बिक जाए।
तो इसको भी वही कार खरीदेंगे भाई, सबसे जो महंगी है ना वही। मैं सोचता हूँ सिर्फ लैम्बोर्गिनी मेरे शोरूम में रहे ताकि जल्दी से जल्दी बिक जाए भाई, बहुत मस्त। अरे बिक जा भाई, ये तो रोटेट भी नहीं हो रहा है। नाइस, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। मैंने ओपन तो कर दे, 20,000 कोई ऑफर दे के गया, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है, तो ले ही लेते हैं, क्या क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैं 4,80,000 में इसको बेच, मतलब यहाँ पे एक और लेम्बोर्गिनी खड़ा कर दे रहा हूँ। और मुझे ये भी ख़रीदना है इसका शोरूम। मेरे पास पैसा तो शायद है कितना है, 50,000। मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक अपना लेम्बोर्गिनी जल्दी से स्वर्ण बेस बनाता हूँ। यहाँ पे इधर में एडजस्ट थोड़ा सा पीछे की साइड रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट एक और यहाँ पे बस यहीं पे। और हम अपना लेम्बोर्गिनी का मेरे पास तो अभी है, हम यहाँ पे जल्दी से लेम्बोर्गिनी खरीद लेते हैं। कार्लो 4800, डन। नाइस, थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं ना ताकि जल्दी से बिक जाए ये भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी बिकने में है ना थोड़ा सा मदद कर देता है वो। कोई ऑफ़र दे के गया है भाई, ये देखो ये कितना अच्छा अच्छा ऑफ़र दे के जाते हैं भाई। 63,000, 6 लाख समथिंग समथिंग तो था भाई, मस्त बिक गया भाई। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दूंगा कार शोरूम से अपने। तो ये देखो भाई, मुझे उससे डबल का अमाउंट कोई ऑफ़र दे के गया है। वाह भाई, क्या ही बंदे भाई, मस्त है भाई। ऐसे ही 3-4 कस्टमर और आते जाए ना तो मज़ा आ जाए, काफ़ी मस्त लग रहा है। कार लो तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये रहा, अमाउंट मिल गया भाई। अब जल्दी से मैं एक और ख़रीद लेता हूँ भाई, यही ख़रीदना, क्योंकि इससे महंगा कार है ही नहीं। लेम्बोर्गिनी सबसे महंगी है इस गेम में, और इस गेम में उससे ज़्यादा महंगा कुछ है ही नहीं। तो नाइस, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, रोटेट करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा भाई। नाइस, इसका ग्राफिक थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई ना, अच्छा है गेम है। और कार सिमुलेटर गेम में मोबाइल में खेल पा रहे, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती भाई, काफ़ी मस्त है। इसको मैं रोटेट करके रख देता हूँ। 100% ये 2-3 गुना ज़्यादा दाम में बिकेगी। नाइस, तो ये रहा 4800,000। नाइस प्राइस हमने फिल कर दिया इसको। इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं ना, राइट साइड में रोटेट कर देते हैं। दिखने में काफ़ा काफ़ा नहीं, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है। अरे एक मैम आई है डेंजर सी, शायद उनको अच्छा लगे और वो ज़्यादा अमाउंट हमें दे दे। नाइस, इसको हम 2400 में बेच देंगे। काफ़ी अच्छा है वैसे तो, मेरा शोरूम का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनको क्या हो गया, ये लैग हो गया, एक ही जगह पे चले जा रही है चले जा रही है। नीचे की तरफ देखते हैं भाई, ये क्या चल रहा है नीचे। और देख 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 गाइस, देख रहे हो कि तुम्हारे भाई ने कितना सारा पैसा कमा लिया है इस शोरूम को ओपन ही करते। अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुए हैं, तुम्हारा भाई भाई करोड़ों में, लाखों और अरबों में खेलेगा धीरे धीरे, देखते रहो बस आप। और ये भाई कोई गेम का ग्लिच है कि एक्सेप्ट होता ही नहीं है भाई, अगर कोई अमाउंट कोई ऑफर करता है तो। और यहाँ पर भाई देखो कितना मस्त मस्त अमाउंट आ रहा है अपने पास, एकदम वाला एकदम अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे हम जल्दी से भाई अपडेट करते हैं और यहाँ पे और ऐड करते हैं हम जल्दी से कार को। काफ़ी मस्त मस्त कार और भी ऐड आने चाहिए थे, क्योंकि भाई बहुत जल्दी इसमें आप पैसा कमा लेते हो काफ़ी। और भाई बहुत ही कम कार है, मतलब लिमिटेड कार है, जो हालांकि बस एक लैम्बोर ही है सबसे महंगी जो आती है 4,80,000 में, आप देख ही सकते हो बार बार। और यूज्ड कार तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, मतलब एक बार भी लिया ही नहीं है। तो देखते हैं और क्या होता है इस गेम में अपडेट, अगर हालांकि अपडेट और आया अच्छा, तो काफ़ी मस्त गेम है वैसे एंड्रॉयड के लिए ये। और भाई मैंने तो शोरूम काफ़ी अच्छा सजा के रख दिया है, और भाई काफ़ी अच्छा वैसे भी चल भी रहा है। इसको थोड़ा सा घुमा ही देते हैं और क्या। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो
तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं वीडियो इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा और मेरा वॉइस ओवर भी इम्प्रूव करने का कोशिश करता रहूँगा हर एक वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि सबसे बेस्ट पार्ट्स कौन सा लगा आपको। हालांकि गेम तो सिमिलर है, पूरा ऑल सेम ही है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।